नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, इससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेप मामले की जांच के लिए टू फिंगर टेस्ट पर लगी रोक, अब इसे मेडिकल की पढ़ाई से भी हटाने का आदेश। टू फिंगर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे अब वैज्ञानिक बताते हुए कहा कि पीड़िताओं को टू फिंगर टेस्ट कराना उन्हें फिर से प्रताड़ित करना है। यही नहीं, कोर्ट ने मेडिकल की पढ़ाई से भी टू फिंगर टेस्ट को हटाने को कहा है। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। ये फैसला झारखंड सरकार की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हीमा कोहली के बेंच में सुनाया गया है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रेप और मर्डर को आरोपी शैलेंद्र कुमार राय उर्फ पांडव राय को बरी कर दिया था, जिसके बाद झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए शैलेंद्र राय को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुजरात चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा कदम, पाकिस्तान समेत तीन देशों से आए लोगों को इन दो जिलों में आसानी से मिलेगी नागरिकता। कलेक्टरों को मिला अधिकार। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में बड़ा दाव चलते हुए फैसला लिया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर गुजरात के दो जिलों में रहने को अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध गृह मंत्रालय द्वारा नए नियम के तहत जिला कलेक्टरों को लोगों की जांच करने और उन्हें नागरिकता देने की अधिकार दिया गया है। ठंड की दस्तक, देश के सभी राज्यों में बदला मौसम। नवंबर का महीना आते ही ठंड बढ़ने लगी है। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। मैदानी इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं पहाड़ वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। दक्षिण के राज्यों में गरज के साथ बारिश देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां सुबह वक्त से कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में सुबह शाम ठंड का एहसास भी होने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, 354 निकला एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहरीली हुई हवा। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों की दिल्ली में हवा में सांस लेने की तकलीफ होने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली का एयर क्वालिटी 2 नवंबर को 394 पहुंच गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।